जी हमने आपको मैंने बता दिया है, वैसे फीफा ने भी लिख दिया हुआ था। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा इस तरह से पेज। ठीक है, एनीवन एल्स हु हैज आंसर, जैसे कि जो क्वेश्चन आंसर के बटन का फॉर्म में लिखे जाएंगे। क्वेश्चन आंसर जो होते हैं मैं आपको थोड़ा सा एक दो और मैं आपको एक दो और एग्जांपल से समझा देता हूँ। क्वेश्चन आंसर ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आंसर दिए मैंने, ये एक डिफरेंट एक सॉफ्टवेयर यूज किया गया, एक ऐप यूज की गई है, जिसके अंदर जो है ना ये FAQ बनाए गए। हम चूंकि अभी बिल्कुल बेसिक्स पे हैं, तो हम इस वजह से उस स्टेप पे नहीं जाएंगे। ठीक है, ये एक टूल होता है, उसे हम कर सकते हैं। वैसे बहुत सारी ऐसी जो है ना क्यूरीज हैं, या मतलब स्टूडेंट्स की तरफ से भी कभी कभार आ जाती हैं, तो वो सिखा दूंगा। आप जब हम एप्स के सेक्शन में जाएंगे ना, तो वो एट दैट टाइम वी कैन लर्न। अदरवाइज FAQ, लेट मी चेक इफ देयर इज एनी वेबसाइट। और सेकेंडली, जो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि वोकैबुलरी इटसेल्फ इज अ डिफिकल्ट थिंग एंड हाउ वी कैन राइट, अभी आते हैं उस टॉपिक पे भी आना है, अभी आया नहीं। आमिर, इफ टुडे इज योर फर्स्ट लेक्चर, ये जो हम कर रहे हैं ना लिखना, अभी जो हम ये काम कर रहे हैं ना आमिर, ऐसा स्टूडेंट के लिए इटसेल्फ हम वही काम ही रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे ना, तो आप ये वैसे ही सीख जाएंगे। और मैंने एट द बिगिनिंग, शायद आप अभी ज्वाइन किए हैं, मैंने थोड़ा सा बता भी दिया था उसका बैकग्राउंड भी। सर मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, प्लीज कैन यू। सर अच्छा, नापिया व्हाट्स योर क्वेश्चन, इसका जगह ही काम। FAQ में सर पेजेस में इसकी उस जगह बस ये काम है। हाँ बिल्कुल, उस जगह लिखना ही काम है, पेजेस ही से करते हैं। हाँ बिल्कुल, बता देता हूँ सर। अब हमारे कॉलेज भी ओपन है और क्लासेस भी सेम टाइम है, किया करें कि बाद में हम आपका ये लेक्चर समझ सकें प्लीज। अच्छा जी, सही है, आपकी सजेशन मैंने नोट कर ली। अच्छा चलो, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब आप में से किसी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि जी हम FAQ के अबाउट में या किसी और पेज के अंदर इसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल इसको इस पेज के अंदर शो करवाना चाहता हूँ जी, कॉन्टेक्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे थीम टेम्पलेट में लिखा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर जाकर आप कर सकते हो और इसे सेव कर दोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी इजी टास्क, कोई मुश्किल नहीं है। व्यू पेज पे जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट के अंदर ही लिखा हुआ है। अब देखें, कॉन्टेक्ट एस पेज था ना, अब ये कॉन्टेक्ट एस पेज के अंदर ही लिखा हुआ आ गया अबाउट अस। ठीक है, आई होप सो यू गेट द आंसर। सर ब्लॉक भाई अभी उस पे आ रहे हैं, मैं अभी आपको मैंने पहले भी शोएबुल्लाह आई हैव आंसर यू आई थिंक ट्वाइस और थ्राइस में भी, के अभी आ रहे हैं उस पे, ये अभी टॉपिक का हिस्सा नहीं। आपको हमेशा ये कहा जाता है कि आप टॉपिक से रिलेवेंट सवाल करें, अभी उस पे आए ही नहीं तो क्या बताऊंगा। क्या हम इंडिपेंडेंट व्यू पेज आज कर सकते हैं, लाइक हुई? हाँ तो इंडिपेंडेंट ही कर रहे हैं। देखें, वेरी वैलिड क्वेश्चन जी, बहुत अच्छा सवाल है इनका। और फॉर एग्जांपल मैं दोबारा जाता हूँ जी पेजेस के ऊपर, ऐड पेजेस पे जाता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी साइज कुछ भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी, और साइज लिस्ट व्हाट एल्स। अब मैं ये लिख देता हूँ चार साइज। अब मैंने यहाँ पे कोई सेलेक्ट नहीं किया, डिफॉल्ट पेज बनाना है। ठीक है,
डिफॉल्ट पेज सेव कर दिया तो ये इंडिपेंडेंट पेज बन गया, ठीक है, इसमें किसी को रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अच्छा, अब यहाँ पे जब आप व्यू पेज करोगे तो व्यू पेज कर सकते हो, ठीक है। अब ये इंडिपेंडेंट पेज है, ये कहीं पे भी पड़ा होगा, ठीक है। अब ये पड़ा कहाँ पे हुआ है, इसकी एक अलग, हमने अभी नेविगेशन नहीं सीखी है तो ये फिर बताऊंगा इसको कैसे एडजस्ट करना है, इसको कैसे अपनी जगह पे लेके आना, क्योंकि अभी तो स्टार्ट है ना। बाकी जो स्टूडेंट्स पहली पहली दफा आए हैं उनको मैं थोड़ा सा बता दूं कि आप लोगों ने थोड़ा सा एफर्ट, अब आप लोगों ने भी करके आनी, क्योंकि मैं कम से कम को 3-4 बार रिपीट कर चुका हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये करना है कि जब हमारे पास जो है ना, कभी एक बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहे थे कि पासवर्ड कैसे रिमूव करते हैं, अब होता ये है कि इटसेल्फ जो है ना वो पासवर्ड असाइन कर देता है शॉपिफाई, ठीक है। अब ये पासवर्ड मैंने नहीं लगाया था, ठीक है, ये पासवर्ड उसने इटसेल्फ दे दिया, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि हमें मजबूरी है कि इसको प्रोटेक्टेड करना है, क्योंकि देखें यहाँ पर उसने जो टिक मार्क दिया हुआ ना, ये अब हो चुका है परमानेंट, ठीक है। अब परमानेंट टिक मार्क का मतलब क्या है कि अब इसके बगैर अब आप लोग नहीं आगे चल सकते, ठीक है, तो मजबूरी है, ठीक है, इसको हमें करना पड़ेगा। अच्छा, इस पे जब आएंगे तो फिर हम देखेंगे, अभी इसको जरूरत नहीं है, लेकिन अभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। चलो जी, प्लीज कमेंट। लेट्स मूव, ठीक है जी। अब हम दोबारा जाते हैं पेजेस के ऊपर, ठीक है, यहाँ चलो अभी हम होम पे दोबारा जाते हैं, कुछ चीजें रह गई, ठीक है। अब यहाँ पर वो लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइज योर ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि नेविगेशन का मतलब क्या होता है, आप ऑनलाइन मैप्स देखते हो, ठीक है, उन मैप्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, आप में से सब लोगों को पता चले आप कमेंट करके जरा फटाफट से बताएं, फिर आपके लिए क्विज भी रेडी है, वो आप लोगों ने सबने क्विज भी देना। जी स्टूडेंट बताइए, नेविगेशन आपने कभी लाइफ में यूज किया, अगर यूज किया तो किस मकसद के लिए यूज किया, क्या होता है, और ये सीख लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, ठीक है। और नेविगेशन के ऊपर मैंने जितनी यूट्यूब पर वीडियोस देखी है मुझे नहीं मिली, कई दफा ऐसा होता है स्टूडेंट को रेफर करनी पड़ जाती है, तो मुझे तो आज तक नहीं मिली, ठीक है, आपको मिल जाती है तो वेल एंड गुड। गूगल मैप लोकेशन शो करने के लिए फॉर लोकेशन, मैं अपने स्टोर की लोकेशन, जी सर फाइनल प्रोजेक्ट में सीखा था। अच्छा, एक जगह से दूसरी जगह जाना, किसी की तरफ अगर इशारा करके बताना है यहाँ, ठीक है सर। पेजेस ऐड या प्रोडक्ट, वो दिखाया तो है अभी शुभुल्ला, अभी करते हैं उस पर भी डिस्कस, अभी जरा इस टॉपिक पे ही रहो। लोकेशन सर मैं यूज करता हूँ जब मैं किसी न्यू सिटी में जाता हूँ तो सर। शाबाश भाई, आप सबको ही तकरीबन पता है कि नेविगेशन क्या होती है, साथ ही लफ्जों में ये बता दूं कि नेविगेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, रेंडम चीजों को एक जगह जो है ना, मिसाल के तौर पर आपको गाइड करना, सादे लफ्जों में, ठीक है। इसी तरह आप जरा एक 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 बात समझ लें, ठीक है, एक वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट का दूसरा मतलब क्या है। अच्छा जी, आपने भी स्टॉप कमेंटिंग, जरा एक सेकंड के लिए जरा पॉइंट्स, वेरी वैलिड पॉइंट। अच्छा गाइस प्लीज लिसन टू मी फर्स्ट। अच्छा, अब होता क्या है, एक कस्टमर आता है, ठीक है, अब कस्टमर आया है वो आपकी साइट के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। इंटरेक्शन क्या होता है जी, आपकी फॉर एग्जांपल कोई चीज है, ठीक है, आप उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हैं जी, अब आप करना ये चाहते हैं कि जी आप सबसे पहले कोई चीज सर्च करेंगे, ठीक है, आपका फर्स्ट इंटरेक्शन ये हो सकता है, ठीक है। आपका सेकेंड इंटरेक्शन क्या होगा जी, आपका सेकेंड इंटरेक्शन ये हो सकता है कि जी मैंने फॉर एग्जाम्पल अपने लिए कुछ बाय करना है, लेट्स सपोज आई हैव टू बाय पोलोस, ठीक है, मैं जाता हूँ, ठीक है,
मैं जाता हूँ तो मैंने ये पोलो रिपब्लिका ओपन किया है, तो यहाँ पर जो है ना पोलो रिपब्लिका के अंदर काफी सारी चीजें आ गई, ठीक है, बच्चों की आ गई, वेमेन वेयर आ गया, मेन वेयर आ गया, ठीक है, सारी चीजें आ गई। होम पे गया हूँ तो होम पे सारी सप्लाईज आ गई। तो असल में हम नेविगेशन से क्या मुराद लेते हैं शॉपिफाई के अंदर, हम ये मुराद लेते हैं कि हमारी चीज कहाँ पड़ी है, जैसे ना आप मैप्स के ऊपर कहते हो हमारी चीज क्या पड़ी। लेकिन एक सेकंड के लिए आप ये समझें, आप कस्टमर हैं, आप पहली दफा आए, आपको नहीं पता चला, तो फिर क्या करेंगे? आपका ऑब्वियसली अल्टीमेट टारगेट यही होगा ना कि मुझे गाइड किया जाए एक वेबसाइट के थ्रू। अच्छा, कैसे गाइड किया जा सकता है जी? फॉर एग्जाम्पल मैन मैन टी शर्ट, ये मैं देखता हूँ, ठीक है। अब मुझे गाइड किया गया एक स्पेसिफिक कीवर्ड के थ्रू एक जगह पे, तो इसे कहते हैं नेविगेशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइज किया गया है वेबसाइट को, ठीक है। दो बातें यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आप सबको, दो बातें क्या कर रहा हूँ जी, आपकी चैट बॉक्स में मैं लिखता हूँ जी, हमने क्या करना है जी, नेविगेशन से आपने सबसे पहले लिखना है जी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करना है एंड लोकेट करना है, पहुंचाना है वहां। यही काम होता है ना कस्टमर को, कस्टमर को ले, कस्टमर को जरा आसानी पैदा की नेविगेशन, ठीक है जी। तो हमने नेविगेट किया है, उसे सिखाया है, उसे ऑर्गेनाइज करके रखा है, इसे कहते हैं जी हम नेविगेशन, ठीक है। अब हम कैसे करते हैं ऑर्गेनाइजेशन या लोकेशन, ठीक है जी। ऑर्गेनाइज नेविगेशन पे क्लिक करता हूँ मैं। अभी इंटरेस्टिंग पार्ट है, सीख लो सारे, ठीक है, जो न्यू भी आए हैं वो भी सीख लो, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप गौर करो, आपको साथ साथ मैं अपनी वेबसाइट दिखाता जाता हूँ, ठीक है जी। ये हमारी वेबसाइट है, ई रोजगार होम पेज पे चलता हूँ। यहाँ पर ऊपर टॉप के ऊपर तीन चीजें लिखी हैं, जरा गौर करना क्या क्या लिखा हुआ जी, होम, कैटलॉग, कनेक्ट, कॉन्टेक्ट, ठीक है, तीन चीजें हैं, होम, कैटलॉग, कनेक्ट, उम्मीद है सबको नजर आ गया। अब मैं चलता हूँ नीचे, इसे कहते हैं हम हेडर, मैंने पहले दिन बताया था इस चीज को क्या कहा जाता है जी, हेडर कहा जाता है। नीचे आ जाए, नीचे आते हैं तो हमारे पास अबाउट अस है, ठीक है जी, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सर्च, ठीक है। तो आपको जरा मैं दोबारा वापस लेके जाता हूँ, ठीक है, मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया। तो हमारे मेन मेन्यू के अंदर जो है वो तीन चीजें टॉप पे लिखी हुई है, मेन मेन्यू में लिखी हुई है, होम, कैटलॉग, कॉन्टेक्ट, ठीक है, सबको मिल गया होम, कैटलॉग, कॉन्टेक्ट। मैं आपको थोड़ा सा मजीद जूम आउट करके तो आपको दिखाता हूँ, दोबारा देखिएगा, टॉप के ऊपर होम, कैटलॉग, कॉन्टेक्ट, ये हमारा मेन मेन्यू होता है, ठीक है। अब आपने क्या लिखना है जी बॉटम पे, अबाउट अस, ठीक है, ये फुटर मेन्यू, ठीक है, ये फुट मेन्यू भी अक्सर हम कह देते हैं। सबको ये मिल गया, किसी को ये ना मिला हो, किसी को कोई यहाँ पे मसला आ रहा हो, जरा कमेंट में बताएं। चले जी, परफेक्ट सर, सबको मेन मेन्यू का पता चल गया आज कि मेन मेन्यू के अंदर क्या क्या लिखा होता है। चलो जी, वंडरफुल, आज आपको थोड़ा सा मजीद चीजें ऐड करना सिखाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम एडवांस पे जाना शुरू हो जाएंगे चीजों में, ठीक है, और ये ही अच्छी चीज है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे मैटर्स। चलें जी, ठीक हो गया, चलें जी, क्लियर है जी, चलें जी, प्लीज स्टॉप, स्टॉप, मैं ये सपोज करूं सब कुछ समझ आ गया, प्लीज स्टॉप। चलें जी, वंडरफुल, अब हम चलते हैं जी। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैंने मेन्यू के अंदर कुछ ऐड करना, चलो जी ऐड मेन्यू करते हैं। टाइटल बार पे कोई मेन्यू दे देता हूँ मैं,
अबाउट एस लेटर, अभी आपने अबाउट एस में कंफ्यूज नहीं होना, कुछ ऐसी चीज नहीं देखनी है, ठीक है। एड आइटम मेन्यू, ठीक है जी, आप उसका कोई नाम ले लो, कोई लिंक अभी डालना है तो डाल लो, अभी सिर्फ चलो अभी हम सिर्फ नाम देते हैं, ठीक है जी। सेव मेन्यू एंड लेट्स रिटर्न टू आवर मेन्यूज। अच्छा आप ये देखिए कि अबाउट अस है, ठीक है, हमने एक नया मेन मेन्यू ऐड किया है, ये क्या हमें कुछ नजर भी आएगा शॉपिफाई के ऊपर के नहीं, देखते हैं। अच्छा अब ये हमें शॉपिफाई के ऊपर नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, हम इसे क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा जो है ना वो चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि ये नजर आना शुरू हो जाए। अबाउट अस में जाते हैं, ठीक है, एड मेन्यू आइटम्स में जाते हैं, यहाँ पर हम जो है ना कोई मेन्यू आइटम सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स सपोज कॉन्टैक्ट अस, इसका लिंक जो है ना अगर हमने देना हो तो हम लिंक दे सकते हैं। चलें जी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ पेजेस में और मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरे पास कॉन्टेक्ट का पेज है, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया है, मैं अभी आपको उसकी डिटेल भी समझाता हूँ, ठीक है। अभी आपने सिर्फ दो चीजों पर फोकस करना, अभी मैं दोबारा ही क्लोज करके दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा बना के दोबारा दिखा रहा हूँ, ठीक है। मेन्यूज क्या होते हैं, नेविगेशन क्या होती है, मेन्यूज बार्स होती हैं जहां पर आपके पास लिस्ट लिया जाता है जो कि कस्टमर को हेल्प करता है, आसानी करता है नेविगेट करने में, ठीक है, उन्हें कहते हैं मेन्यूज, ठीक है, और इसका दूसरा नाम नेविगेशन भी है, ठीक है। जो टॉप पे आ रहे होते हैं उसे मेन मेन्यू कहते हैं, जो फुटर पे आ रहे होते हैं उन्हें कहते हैं फुटर मेन्यू, ठीक है, ये फुट मेन्यू। दोबारा जाता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, ठीक है, स्मॉल में लिख दिया, यहाँ पर जो है ना वो आ गया है कि जी ये हैंडल है, अब मैं इसके अंदर कुछ चीजें ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है जी, उसका नाम दे देते हैं जी, मैं अबाउट अस के अंदर जो है ना कॉन्टेक्ट अस डाल देता हूँ, या कंपनी इनफो डाल देता हूँ, लेट्स सपोज कोई ऐसी चीज डाल देता हूँ जो आपको डिस्टिंग्विश कर दे, अलहदा से जाहिर करते हैं। लिंक पे जाता हूँ और यहाँ पर जाके मेरे पास कोई पेजेस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास चार पेजेस बने हुए, मैंने FAQ का पेज बनाया हुआ है, मैंने कॉन्टेक्ट का पेज बनाया हुआ है, मैंने साइज चार्ट का पेज बनाया हुआ है, मैं किसी को भी ऐड करने की कोशिश करता हूँ, लेट्स सपोज मैं साइज चार्ट ऐड कर देता हूँ, ऐड सेव मेन्यू, अच्छा दूसरा ऐड करना चाहता हूँ, मैं क्या ऐड कर देता हूँ, कॉन्टेक्ट इन्फो, पेजेस में जाऊंगा, बहुत सिंपल सा कॉन्टेक्ट के पेज में जाऊंगा, ऐड करूंगा, लेट्स सी, सेव मेन्यू करता हूँ, चलो भाई अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है, ठीक है जी, वापस चलते हैं अबाउट अस में। अब यहाँ पर हमारे पास जो है, चलो इसको डिलीट कर देते हैं, अबाउट अस जो पहले बनाया हुआ था, ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से हमने थोड़ी सी नेविगेशन सीख ली, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका एडवांस लेवल भी सिखाऊंगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैंने ये दिखा दिया आपको, मैं इसको देखता हूँ कि क्या कोई फर्क इसने डाला है इसके ऊपर। अच्छा चलो इसकी थोड़ी सी लोकेशन को जो है ना वो हम थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं फिर कोई फर्क पड़ता है, ठीक है। अभी थोड़ी सी चीजें एडवांस जा रही हैं, ठीक है, तो आपने जरा गौर से सुना। अब मैं एक आपको एक और चीज नहीं बताता, मेन मेन्यू में चलता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि मेन मेन्यू के अंदर जो है ना वो नया कोई मेन्यू ऐड करने की कोशिश करता हूँ, ऐड मेन्यू आइटम, मैं क्या करता हूँ जी, मैं अबाउट या कंपनी इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, लिंक कर देता हूँ इसे किसी पेज के साथ, और हमारे पास जो पेज है वो है FAQ, ठीक है, इसको मैं ऐड करता हूँ, इसको सेव मेन्यू में करता हूँ, ठीक है। अब आप गौर कीजिएगा कि हमारे पास मेन मेन्यू के अंदर पहले चार चीजें थी, ठीक है, तीन चीजें थी, होम कैटलॉग कॉन्टेक्ट, ठीक है, मैं इसको जो है ना वो चार कर चुका हूँ, देखते हैं यहाँ पे कुछ फर्क पड़ा, ये अभी तक जो है वो राइट नहीं कर पाया शायद, कभी कभार ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं सेव होने में, एक आध सेकंड का टाइम लगता, तो लेट्स सी के दोबारा रिफ्रेश करके देखते हैं कि वो आया है कि नहीं, ठीक है।
टेक्निक, चलो दोबारा देखते हैं। अच्छा ये कॉमन आ जाता है, थोड़ा सा स्लो होता है शॉपिफाई में। ऑब्वियसली ये फ्री वर्जन में ऑब्वियसली आपको चले, यही बहुत बड़ी चीज है कि आपको फ्री में कुछ मिल जाए। तो let's wait for a second more, otherwise we need to refresh it. चलें कोई बात नहीं, इसको एक आध सेकेंड लग ही जाता है। आपका कोई क्वेश्चन है तो चलें कोई बात नहीं, आप उतनी देर पूछ लें, अदरवाइज वी कैन स्टार्ट। जी देखो चलें आ गया है। वैसे ये देखें कंपनी इंफॉर्मेशन ऊपर लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब उस कंपनी इंफॉर्मेशन के अंदर जो है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने ऐड की होगी, कॉन्टेक्ट अस की या कुछ भी ऐड किया होगा, ये FAQ का, तो वो FAQ जो है वो लिखा हुआ आ गया। देखिए FAQs, obviously ये एक मेन्यू है, ठीक है। इसके अंदर जो है ना बहुत सारी डिटेल आती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है, आप उसको पूरा का पूरा पेज एम्बेड एक दफा नहीं कर सकते। जिसने देखे ना कैटलॉग है, कैटलॉग के अंदर मतलब ही क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट्स आएंगी, तो डेट्स वाइज, ठीक है। तो उसको लोड हो लेने दे, फिर करते सर। शॉपिफाई पे स्टोर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक अच्छी बात है कि आप लोग इस तरह से सोचते हैं कि आप लोग बनाए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है कि साकिब, जब आप कोई भी स्टोर बनाते हैं, कोई भी मतलब ये जो हम बना रहे हैं, ये पार्टनर्स जो पहले दिन आज क्लास में आए हैं, उनको मैं लिंक दे देता हूँ काइंडली, आप लोग ये जाकर साइन अप कर लीजिएगा। वैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया था आप लोगों को, तो ये आप लोग इस लिंक से जाके बना लीजिएगा। अगर तो आप इस लिंक को यूज करते हैं तो ऑब्वियसली आपको तो वैसे ही फ्री है, अदरवाइज शॉपिफाई जो है ना यही सारा काम करने का, आपसे वो ले लेगा $30, $29 बन रहे हैं, ठीक है, $30 ही है। इसकी आप प्राइसिंग में जाएंगे, पहले ऑब्वियसली आपको फ्री ट्रायल मिल जाता है, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू पे फॉर द थिंग्स, राइट। तो आप जब ये प्राइसिंग में जाते हैं ना, तो यहाँ पर जो है ना इसका बेसिक प्लान 29 है, ठीक है। 30 सेंट्स ऑनलाइन उसके कार्ड भी जाते हैं, और 2.7 उसके कार्ड जाते हैं, तो ये तो फ्लैट रेट है, तो तकरीबन 30 वैसे ही कट जाते हैं, ठीक है। बाकी ये मंथली प्लान, ठीक है, अगर आप मंथली प्लान लेते हैं तो एक ही बार कटेंगे, ठीक है, सारे पैसे, लेकिन 14.44, ठीक है, तो ये ज्यादा वाइबल होता है आपको। 6 माह आपको 50% तक ऑफ मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन सीखोगे और वही काम करोगे, ऑब्वियसली अल्टीमेटली बात तो ये है। सर मैं ठीक, आप ठीक, आपकी तरह क्या किया है, लेकिन अबाउट अंदर उसकी कोई बता दे। हाँ उस पर मैं आता हूँ। 3 packages हैं सर स्टोर को, हाँ जी बिल्कुल सर। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन, देयर इज नो सच डिफरेंस। शॉपिफाई पार्टनर ये होता है कि शॉपिफाई ये कहता है कि आप मेरे पार्टनर बन गए, ठीक है। आप पार्टनर इस तरह से बन गए हैं कि आप मेरे बिहाफ पे कस्टमर्स ला रहे हैं, इसलिए चले मैं आपको चार्ज नहीं करता। इन फ्यूचर शायद वो चार्ज करना शुरू करते, जहां तक मुझे लगता है। अभी अलबत्ता ये सर्विस फ्री है, ठीक है, और उम्मीद है कि शायद
मैं भी एक आध साल फ्री रहे, हो सकता है, लेकिन आई पर्सनली थिंक पर्सनली थिंक इट कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट आपको पार्टनर बनाता है अपने काम में शरीक कर रहा है, ये समझ लो आप। और इसका मतलब ये है कि वो आपको एक्सेस दे रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर लें, दैट्स इट। और मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा उसका कोई लालच है या कोई मतलब है आपसे। ये जब तक आप करते रहेंगे आपको फ्री है, ठीक है। सर इफ यू वांट टू मेक अ क्लाइंट, इफ यू वांट टू मेक अ स्टोर फ्रंट एंड, वी हैव टू मेक स्टोर शॉपिफाई पार्टनर पे बनाओ ना भाई। देखें, ये मैंने आपको पहले दिन, शायद आप क्लास में थे या नहीं, मैंने आपको पहले दिन ही क्लियर कर दिया था। अच्छा, इनका क्वेश्चन पहले आ जाए जरा एक मिनट। हाँ जी, जब आप अपना काम स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली ही विल चार्ज, राइट। देखें, आप जाएंगे यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चन आपका अच्छा है, लेकिन मैं आपको दोबारा बता दूँ, ठीक है। सबसे पहले आप जाओगे पार्टनर्स और शॉपिफाई, दोबारा जाओगे लॉगिन पे करके, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो है ना, ये हमारे पास स्टोर बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अपने स्टोर को किसी को देना है, ठीक है। यहाँ पे एक्शन पे मैं क्लिक करूंगा, सारे देख लो, ये बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने रेस किया, ठीक है। एक्शन पे क्लिक करूंगा, ट्रांसफर ओनरशिप पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, व्हेन यू सेंड द स्टोर द न्यू ओनर एन ईमेल टू द लॉगिन एंड सेलेक्ट द प्लान। अब किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे पूछा था कि जी हम जब काम करेंगे तब हमें पैसे देने पड़ेंगे, जी बिल्कुल। प्लान उसको 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 पैसे ही नहीं देने पड़े। अ कोलैबोरेटर अकाउंट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड फॉर यू, बट द स्टोर कैन नॉट बी एक्सेस अंटिल ओनर सेलेक्ट्स अ प्लान, ठीक है जी। आपने उसको दे दिया तो आपको कोई जरूरत नहीं, ठीक है। एनी क्रेडिट कार्ड यू हैव एडेड टू द स्टोर इज रिमूव, ठीक है जी, समझ आ गई। अब आपको ट्रांसफर स्टोर पे क्लिक करेंगे, एड अ स्टाफ अकाउंट लेट्स सपोज, इस पे क्लिक कर दूं, या ट्रांसफरिंग ओनरशिप पे कर लूं तो ड्रग भी हो जाए, ठीक है। मैं इधर चला गया, ठीक है जी, यूजर इंफॉर्मेशन पे चला गया। अच्छा, अगर आपने कोई स्टाफ डालना है ना, तो आप स्टाफ भी डाल सकते हो फॉर स्पेसिफिकली, ठीक है। जब तक ये स्टोर कंप्लीट नहीं ना होगा तब तक इसकी ओनरशिप नहीं जा सकती, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम जो है वो स्टूडेंट्स को करके दिखाया था, लेकिन मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। इसमें अभी मेरा हाल स्टोर चूंकि कंप्लीट हुआ नहीं, इस वजह से अब ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज आप ये एक मिनट की वीडियो है, ये देख लीजिएगा। इसके अंदर बड़ा डिटेल के अंदर उन्होंने बताया होगा, क्योंकि ये डेवलपमेंट स्टोर है। तो ये जो है इस वीडियो के अंदर जो है ना, आपको वो सेगमेंट बता देता है। आप सेटिंग्स पे जाते हैं ऐड स्टोर के अंदर, अगर आपने कोई यूजर ऐड करना है, मतलब अपना कोई दोस्त भाई वगैरह ऐड करना है, तो आप कर लो। अगर आपने जो है वो अपना स्टोर किसी को कम्प्लीटली ट्रांसफर करना है, तो आप इससे भी कर सकते हो। तो अभी चूंकि हमारा स्टोर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी ये नहीं ऑप्शन आएगी, ठीक है। सर, जब क्लाइंट प्लान बाय कर लेता है कोई भी एक, तो देन स्टोर इज, जी बिल्कुल, वेरी वैलिड पॉइंट, अमेजिंग क्वेश्चन, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। जब हम पार्टनर्स और शॉपिफाई पे है ना, तो उसका मतलब ये है कि आप उस पर सेलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। जब आप उस पर सेलिंग करना स्टार्ट करोगे, तो ये तो ऑब्वियसली टर्म्स एंड कंडीशंस के खिलाफ है ना, तो कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप बेहतर यही है कि आप जब ओनरशिप जैसे ही लोगे तो पासवर्ड, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। एनीवन एल्स जिसका कोई सवाल हो,
means you don't have to invest on making store in the plant. Yeah, of course. इसलिए तो आपको ये आसान तरीका बता रहा हूँ कि लर्न भी कर लो, पैसे भी ना लगें आप लोगों के, ठीक है जी, आप लोग जल्दी से अडेप्ट भी कर लो, ठीक है, और देखें जी, एग्जैक्टली जी, आपको क्यों नहीं पे करना पड़ेगा, आपको तो पे करना पड़ेगा सर। पहले अनाउंसमेंट बार समझा था एड प्रोडक्ट भी, अब यही एड पेजेस कैसे सर? पहले अनाउंसमेंट बार समझा था, फिर एड प्रोडक्ट, फिर अब यही यही। हाँ बिल्कुल, देखो मैं आपके लिए ना थोड़ा थोड़ा जो है ना वो इजी ही रख रहा हूँ चीजें, कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, यही कुछ किया जी शोएबुल्ला अभी तक हम, इसलिए जो है ना सिंप्लीफाइड अभी चीज। हाँ बिल्कुल, इस पे ड्रॉप शिपिंग ही होती है अभी, समझा। ई कॉमर्स स्टोर है ना, ई कॉमर्स स्टोर का कोई भी मॉडल, आप मिसाल के तौर पे ई कॉमर्स का कोई भी मॉडल है, ड्रॉप शिपिंग है। अभी चूंकि लव शायद कई लोगों ने नया नया होगा, किसी को नहीं सुना होगा, तो अभी हम ज्यादा उस पर तस्करा तो नहीं कर सकते कि ड्रॉप शिपिंग क्या है, लेकिन इनशाला हम उसको स्टडी करेंगे। तो ई कॉमर्स का कोई भी मॉडल हो तो कर सकते। डेटा एंट्री कोर्स लिख दिया था हमने सर, वो भी सिखाएंगे या नहीं? सर अबाउट अस में जो पॉइंट्स, उनकी डिटेल्स भी राइटिंग करनी होगी। हाँ बिल्कुल, डिटेल लिखनी होगी। फिजान, ऐसा है कि मेरा मेरा मकसद ये होता है कि आई लव टू डू द प्रोजेक्ट्स व्हिच डेटा एंट्री के जॉब इज अ गुड जॉब, बट उससे शायद आपको महीने के $50, $100, $300, $1,000 बनेगा। अगर आपके पास शॉपिफाई के 5 क्लाइंट्स आ जाते हैं और आपको वो $150, $200 भी देते हैं, 100 चलें कर, तो इट्स अ इजी थिंग टू मेक बिग अमाउंट ऑफ मनी इन अ स्मॉल टाइम, राइट? इट डिपेंड्स ऑन टोटली ऑन यू, इट्स टोटली ऑन यू, राइट? कि आपके पास डाटा एंट्री का टाइम है, ज्यादा टाइम है, कम पैसे चाहिए, या ये है कि ज्यादा पैसे बनाने हैं कम टाइम। तो पहले तो मैं शॉपिफाई डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करता था, मैं सबसे एंड में सिखाता था, क्योंकि उससे होता ही है कि स्टूडेंट्स की कमिटमेंट थोड़ी सी चेंज होती रहती है। कई दफा किसी की यूनिवर्सिटी की स्टार्ट हो चुका होता है, कॉलेज का इशू आ चुका होता है, इस तरह से मसले वगैरह चल रहे होते हैं, तो मैं इस वजह से सिखाता था एंड पे, ताकि वही स्टूडेंट्स ज्यादा हों जो हाईली कमिटेड हो। आपके वाले सेशन में मैंने ये किया कि मैंने सबसे पहले वही स्किल सिखाना स्टार्ट किया, तो जो हाई पेइंग, ठीक है, आप ये टोटली जो आपके ऊपर है कि अब आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है, आप हाई पेइंग स्किल पे रहना चाहते हैं, लो पेइंग स्किल। सर शॉपिफाई से 5 क्लाइंट स्टोर बाय करने के लिए या कोई और प्रोडक्ट लेने के लिए सर, ये आपको देखें, हर स्टोर बनाने के लिए ना हर डिफरेंट रिक्वायरमेंट, एक जैसा तो नहीं बंदा होता ना। तो अब देखें, अब आपको मैं फाइवर जाके दिखाता हूँ, मैं आपको फाइवर में डेटा एंट्री और अपवर्क, यहाँ क्या उसे कहते हैं, चलो फाइवर पे दिखा देता हूँ अपवर्क में। अभी आपको फाइवर भी आएगा भाई, अभी आपने उस पर गौर नहीं करना है कि जी ये कहाँ से आके ये क्या होता है, अभी हमने फाइवर करना है, ठीक है। स्विच टू बाइंग एंड डेटा एंट्री, ऑलमोस्ट 70,000, ठीक है जी, $15, $20, $100 पे भी है, $60 एज वेल, वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव नीश, $5 में भी लोग कर रहे हैं। चलो अब आपको दिखाता हूँ शॉपिफाई, जस्ट शॉपिफाई सर्च करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या आता है।
$145, $95, $150, $150, $120, $95, $285, $90, $150, $295, $1,300, $225, $85, $5,200, $135, $55, और कितना है जी, 31,000। उससे आधी हमारे पास आवाम है। और बजट मैं आपको दिखा देता हूँ जी, देखें वैल्यू अंडर $105, ठीक है। आप डेटा एंट्री के जाके वो देख लीजिएगा कि वैल्यू उन्होंने क्या दिया है, वो शायद 5-10 से स्टार्ट हो, ठीक है। सेलर में देखें टॉप रेटेड बहुत ज्यादा है, लेवल 2 बहुत ज्यादा है, न्यू सेलर भी ज्यादा, ठीक है। और सर्विसेज टाइप शॉपिफाई, ठीक है। अभी मैं इसको आपको सिर्फ शॉपिफाई करूंगा तो आप देखना ही और कम हो जाएगा, ठीक है। अप्लाई, अभी ये 30, 31, 32,000 है ना, तो ये मजीद कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 30,000 के पास पास आ गए। सो बात करने का मकसद ये है कि डिपेंड करता है टोटली। मैं आपको कभी भी जिद नहीं करता ये कि हम डेटा एंट्री नहीं करना चाहते या शॉपिफाई नहीं करना चाहते। अब यहाँ पे देखने सेलर डिटेल्स में जाते हैं, सॉरी बजट में जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अंडर $15 लिखा हुआ है, उससे $90 का डिफरेंस है। सो व्हाट इट मींस, इट मींस कि वो हाई पेइंग स्किल है, इससे 9-10 गुना ज्यादा, ठीक है। ये 5 गुना, चलो 5 गुना लगा लो, 10 गुना नहीं, ठीक है। अब ये जो है इसके अंदर नो डाउट बच्चे लगे हुए हैं, करते हैं स्टूडेंट्स, बट पैसे भी बनते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। हाँ, अगर आपने एक्सेल किया हुआ है, आपको वर्ड आता है, बड़े एडवांस लेवल में है, तो बिस्मिल्लाह जरूर करें। सर इसकी स्किल्स तो फाइवर पे से, हाँ जी बिल्कुल, फाइवर के इसलिए बताया सर, शॉपिफाई एफिलिएट प्रोग्राम की क्लासेस। एफिलिएट, एफिलिएट प्रोग्राम, ये आपको किसने कहा है कि जी एफिलिएट प्रोग्राम क्लासेस होती है? एफिलिएट प्रोग्राम का आपको बताया किसने? ऐसा नहीं होता, एफिलिएट प्रोग्राम या नहीं, मुझे नहीं पता है कि एफिलिएट से आपकी क्या मुराद है। आई डोंट थिंक सो, एफिलिएट फिलहाल तो मुझे पता है कि इसका क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या है, और ना इसमें मुझे डिटेल पता। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट ने कहा था यहाँ पे कि चलें जी प्लीज स्टॉप कमेंटिंग। आप ये स्टोरी सीखे सर, शॉपिफाई की ऐसी स्किल शेयर करें जिसमें कंपटीशन लो, 1,000 लो, और हम इजीली रैंक कर सकते। भाई अभी अभी वो उस टॉपिक पे नहीं आया शाजी, अभी हमने फाइबर ही नहीं पढ़ा, तो आपको वो कौन सी ऐसी कोई आर्ट दिखा दूंगा जिसमें 100 से 1,000 से कम हो। हमने शॉपिफाई, सॉरी अपवर्क और फाइबर के ऊपर कम से कम 12 घंटे, 12 सेशंस लगाने, ठीक है। अब उसका मतलब ये है कि 24 घंटे, ठीक है। तो इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ नॉलेज, ठीक है भाई, सब कुछ आएगा, अभी हम आगे तो बढ़ जाए। जो भाई आप कितना का आपको सिखाएंगे, अभी आगे चलेंगे तो पता चलेगा ना आपको। मैंने आप फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, कैसे हमारा सेशन चलना है, एक एक चीज बताई थी कि इस वीक क्या होगा, अगले वीक। तो अभी आप जरा थोड़ा सा इत्मीनान रखें सर, क्योंकि कई से आप ऐसे चलना। अच्छा, तो यहाँ पे हमने नेविगेशन देख लिया था, यहाँ पे चलते हैं आप। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना नहीं आ रहा, तो आप इसको दोबारा चेक करें,
कभी कभार ये एरर दे रहा होता है, इसको दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास वो आ जाए, ठीक है। कोई ऐसा मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। आप जो भी ऐड करना चाहो, ठीक है, आप कर सकते हो, ठीक है। आपको मैंने सेकंड मेन्यू ऐड करके दिखाया और मैंने ये बताया था कि उसको भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ उसको जस्ट एक डिलीट करके दिखाना था, लेकिन वो ऑब्वियसली पेज कभी कभार इसका स्टक हो जाता है तो शायद थोड़ा सा इशू कर रहा है, अदरवाइज वो भी मैं आपको डिलीट करके दिखा देता। वैसे मैंने आपको डिलीट करके बताया तो हुआ है, ठीक है। अच्छा चलें, अभी ये शायद मे बी प्रॉब्लम कर रहा है। वैसे मेन्यूज की तो सबको समझ आ गई, ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए, जस्ट आपको डिलीट करके दिखाना तो वो कल दिखा देंगे। अच्छा ऑर्डर्स, चलो अभी प्रेफरेंसेस में ही चलते हैं, लेट्स सी। अच्छा प्रेफरेंसेस क्या होती हैं जी? आपने फॉर एग्जांपल अपने कोई भी टॉपिक को, ठीक है, आपने किसी भी चीज को, अच्छा थोड़ा सा जो है ना, अब आपने थोड़ा सा कंसंट्रेशन देखनी है। अब आपने ये चीज वैसे पहले करके आना, ठीक है, आपने तीन काम करके आने, जैसे अच्छा टॉपिक थोड़ा रिवाइज कर दो स्टूडेंट्स के लिए ताकि जो पहली बार क्लास में है वो भी सीख लें। आपने गूगल एनालिटिक्स रीड करके आना है, फेसबुक पिक्सल, फेसबुक ये रीड करके आना है, नंबर थ्री स्पैम प्रोडक्शन। चलो बस ये दो चीजें आप लोगों ने घर से करके आना, ठीक है। काइंडली बस इस पे बेसिक सर्च करके आना है, देख के आना है कि जी क्या होता है, ये क्या होता है, और कमेंट में मुझे बताना है कि जी सर गूगल एनालिटिक्स क्या होता है। ठीक है, कॉपी पेस्ट में करके ले आना कि जी वो डेफिनेशन वाला काम कि जी मैंने वो पढ़ा था वहां से, वो डेफिनेशन सीख के आना, ठीक है, लर्न करके आना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा आप लोगों की असाइनमेंट आपको सबमिट करवा दें, kindly do this by doing this. सर इसी की वीडियो दिखानी है क्या? इसी की वीडियो देखनी नहीं मेरे स्टूडेंट, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने सर्च करके आना है, ठीक है, और आपने जस्ट ये बताना है कि आपने किया कि नहीं। अब कुछ स्टूडेंट ने तो कर लिया हुआ है माशाल्लाह, मैं देख रहा था, आई थिंक यहाँ पे फीफा के स्टूडेंट थी उनका मुझे काम अच्छा लग रहा था, पता नहीं तो पता नहीं यहाँ पे किसी ने नीचे सबमिट किया था, इरशाद बस को जाम साथे माशाल्लाह सबने अच्छा काम किया। अच्छा मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं भाई, ये देख लें भाई दोबारा से, जिन्होंने कभी ना कभी कोई क्लास मिस करती है जरा क्विक रिवाइज करते हैं 10-15 मिनट पर। अच्छा सबसे पहले आपने जाना है कि ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है, बराए मेहरबानी
कोई भी नहीं है, ठीक है, एड्रेस डालो, ठीक है जी, आपके घर का जो भी एड्रेस है, ठीक है, हमसायों का डालो, कोई इशू नहीं, लाहौर जिधर से हो वो डाल लो, रीजन में आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जिप कोड जो है लाहौर का डालना हो लाहौर का डालो, 5489 डालो, अपने एरिया का पोस्ट बॉक्स डालना हो वो डाल दो, एक्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा, जॉब टाइटल जो मर्जी दिल करे डाल लो, शॉपिफाई डेवलपर डाल लो, ट्रेनी डाल दो, ठीक है, ये ऑप्शनल है तो इसका मतलब जरूरी नहीं, फोन नंबर अपना देना हो दे देना, ना देना हो कोई इशू नहीं, लेकिन नंबर ही लगे, ठीक है, 0321123456 है, ठीक है, यानी कि 7 नंबरों का ही हो, 12 का ना हो, ठीक है, इसमें से कोई एक चीज सेलेक्ट कर लेना। बिल्डिंग कस्टम साइट, अब ये मैं थोड़ा सा स्पीड से ही बताऊंगा, पेस से काइंडली, अब आप लोगों ने स्पेस को फॉलो करना है, ठीक है। डू यू हैव अ क्लाइंट, अगर यस करना यस कर दो, नो करना कोई मसला नहीं, गो डैडी क्लिक करोगे, और ये आई एम नॉट वर्किंग विद एनी कॉमर्स साइट, अगर नहीं दिल करता किसी को क्लिक करने का तो ये क्लिक कर देना, और आई हैव रीड, यहाँ पे जाके व्यू माई डैशबोर्ड करते हैं, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, बिजनेस नेम में कुछ भी डाल दो, ये डाल दी, ठीक है, वेबसाइट में ना डाल दो, ठीक है, एड्रेस अपना जो है ना ये डाल दो, ठीक है जी, ये मकान 10-15 ये जो भी है आपका गली नंबर जो भी है, कस्बा जो भी है, ठीक है, वो डाल देना, गांव जो भी है वो डाल देना, सिटी भी डाल देना, ठीक है। जिप कोड भाई आपकी मेहरबानी है, ठीक है, आपको अगर पता है तो डाल दो, नहीं तो 5484000 डाल दो लाहौर का, ठीक है। आप बाद में कोई आके मुझे ये ना कहे कि जी मैं जॉब टाइटल क्या लिखूं, भाई कुछ लिख दें आप, ठीक है, आप घर के काम करते हैं वो लिख दें, घर के काम वाला, घर के काम, ठीक है, इसने मान लेना आपकी बात, ठीक है, इसको कोई गर्ज नहीं है आपसे, ठीक है। मुझे बार बार आगे ये ना कहिएगा कि जी यहाँ पे क्या लिखना है तो वहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है, आपका जो भी नंबर हो आप डाल देना, ठीक है, ये मेरा नंबर नहीं है, कोई नोट ना करे, नोट कर दिया तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको जो है ना वो आप वापस चले जाओ, जब आप यहाँ पे व्यू योर डैशबोर्ड पे जाओगे ना तो ये आ जाएगा, ठीक है, जो नए आए हैं दोबारा सुन लें, ठीक है। लेकिन उसके बाद चूंकि मैंने बना लिया हुआ है, डैशबोर्ड पे जाऊंगा मैं, डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, वेबसाइट का लिंक आपको मैंने पहले ही दे दिया हुआ है, मेरा नहीं ख्याल के दोबारा देने की जरूरत है, अदरवाइज अगर आपको फिर भी लग रहा है कि दोबारा दे दें तो partners.shopify.com उस पर चले जाना, ठीक है। ये इस तरह से डैशबोर्ड होगा, मेरा नाम लिखा हुआ आगे जी वाई आर, और ठीक है जी, मेरा ईमेल आ गया, स्टोर्स आ गए, ठीक है, यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एड स्टोर पे क्लिक करूंगा, डेवलपमेंट स्टोर, ठीक है, यहाँ पे जो है मैं स्टोर का नाम दे देता हूँ, भाई कोई नाम दे दो, ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल ये लिखेंगे जी अरसलान यूसुफ तो ये नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपसे पहले भी दुनिया में बहुत अरसलान है, ठीक है, उन सब ने शायद कहीं ना कहीं बना लिया होगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे एरर आ रहा है कोई नंबर डालो, ठीक है, ये तो किसी ने नहीं ना बनाया होगा जिंदगी में, ठीक है, अगर अपना पासवर्ड रखना है रख लो, पासवर्ड सिक्योर रखने का मकसद ये होता है कि कभी ना कभी लाइफ में काम आ जाता है, ठीक है, तो आप कोई भी 6 डिजिट का ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, डाल दो, ठीक है, ठीक है जी, मैंने डाल दिया, ठीक है जी, लोअर मैं यहाँ पे रहता हूँ, ठीक है जी, बिल्ड अ न्यू स्टोर फॉर अ क्लाइंट, सेव करूंगा, यहाँ पे स्टोर बन जाएगा नंबर से, ठीक है, 1 सेकंड लगा मुझे तो कोई मुश्किल नहीं हुई, ठीक है, नेवर पे क्लिक कर देता हूँ, चले जी, अच्छा यहाँ पे जो है ना नया स्टोर जो कि मैंने बनाया है प्रोडक्ट पे। अच्छा अभी सबसे पहले जो है ना मुझे आप लोगों ने एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर मैं दे देता हूँ अगर आप चाहते हैं, अदरवाइज अगर आप प्रॉमिस करते हैं तो फिर आपको दे देते हैं, ठीक है। आपने वो लेक्चर डाउनलोड नहीं करना, ठीक है, डाउनलोड करके जो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो रहे होते हैं या बाकी जगहों पे शेयर हो रहे होते हैं वो काम नहीं करना, चले मैंने अब आपके लिए इतनी एफर्ट कर दी, अब आपने काइंडली ये काम नहीं करना, ठीक है, इधर उधर शेयर करना किसी बंदे को, इधर गाइड कर रहे हैं उधर गाइड कर रहे हैं, ठीक है, काइंडली ये काम ना करना, क्योंकि उसकी रीजन ये नहीं है कि हम किसी को बताना नहीं चाहते, उसकी रीजन ये है कि अब मैं आपके लिए फाइट की है तो बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स बाद में आ जाती हैं कि जी स्टूडेंट जो है वो बाद में किसी ना किसी जगह पे लगे हैं, ठीक है, तो अब इसी वजह से नहीं दिए जाते,
ठीक है, तो आप ये डाउनलोड करके या लिंक शेयर कर करके या इनवाइट भेज भेज के तंग ना कीजिएगा, आपसे ये काइंड रिक्वेस्ट है हमारी। चलिए, शुक्रिया आप सबके, ये अब हम आपके अतमाद ही करते हैं हमेशा ही, और वो करते ही रहेंगे, बस आपने उसे अतमाद को जरा कायम रखा। कीजिएगा, ये वैसे भी अनैतिक लगता है क्योंकि किसी की कॉपी राइट है ये लेक्चर, एक प्राइवेसी हर्ट होती है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत सारी हमारे दोस्त हैं भाई हैं, वो उनका कैमरा ऑन हो जाता है तो किसी की प्राइवेसी भी हर्ट होती है। फिर प्लस मेरे कुछ पासवर्ड कभी बार ऐसा होता है, कई दफा लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरा एक पासवर्ड किसी ट्रेनिंग को पता चल गया तो उसने अकाउंट लॉग इन करके तो देखना शुरू कर दिया। तो खैर वो तो मैंने चेंज तो कर लिया, लेकिन वो एक इम्प्रेशन तो अच्छा नहीं गया कि चलें आगे बढ़ते हैं जी। सर थैंक यू जी, सर फाइबर पे ज्यादा सर हैकिंग चल रही है। अच्छा, मुझे नहीं पता, अभी इस टॉपिक पे ही रहे जी। सबका आप सबका जी शुक्रिया। अच्छा, एड प्रोडक्ट पे मैंने वैसे देखा नहीं अपलोडेड, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक अपलोडेड हो गए होंगे, क्योंकि तो मैंने कहा तो था। चले खैर कर लेते हैं, अभी नहीं हुआ तो बाद में हो जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे मैं जाऊंगा भाई स्टूडेंट्स, ठीक है। डैशबोर्ड थोड़ा सा स्लो ही है। अच्छा, ऐड प्रोडक्ट पे गए, ठीक है जी। टी शर्ट दिखाया है, कोई भी डिस्क्रिप्शन भी है, और टी शर्ट एंड मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ जी, हेलो ट्रेनिंग वेलकम ठीक है, मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे मीडिया ऐड करना चाहता हूँ, कोई फोटोज ऐड करना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अपनी प्राइस ऐड करता हूँ 1000, ठीक है जी। आइटम की प्राइस क्या, कितना आपको आइटम में खर्चा डला है, ठीक है। कितनी आपकी प्राइस एक्सपेंसिव थी, चलें जी आप 200 रुपए की पड़ी, लेट सपोज 800 का प्रॉफिट हो गया। कोई भी रैंडम नंबर डाल दो एसक्यू में, ठीक है जी, वो डाल दिया। बारकोड का नंबर होता है वो भी रैंडम डाल दो, ये आसानी समझने के लिए कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब इसके अंदर कोई वेट डाल दें 0.5 kg, ठीक है। तो अगर आप पाकिस्तान में करना चाहते हो तो पाकिस्तान में कर लो, ठीक है। एनएचएस कोड नंबर होता ही भी, तो ये डालना है तो ये डाल दो, ठीक है। मे बी एच एस कोड जो है वो कई दफा प्रोडक्ट्स का मिल जाता है, कई दफा नहीं भी मिलता। क्लोथिंग कुछ इस तरह से किसी जगह का लिखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल है लेदर शूज, शूज लिख देते हैं, शूज फुटवेयर हो, रबर ये सब के आगे लेदर के, तो इसको लिखती है, ठीक है। अच्छा, इसको सेव कर लो तो ये आपकी प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। डन है जी, ठीक हो गया। ये इस तरह से हमारे पास एक प्रोडक्ट ऐड हो गया। अब आगे हम जाते हैं जी, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जी हमारा जो है वो थीम लगाने का। होम पे दोबारा जाऊंगा, थीम कस्टमाइज थीम पे जाऊंगा, और मुझे क्लाइंट ये कहता है कि भाई मुझे जो है ना ये डिफॉल्ट थीम नहीं चाहिए, डॉन वाला DAW, मुझे जो है वो डिफरेंट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं चेंज कर लूंगा, ठीक है। तो
अच्छा भी यार थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि शॉपिफाई थोड़ा सा स्लो ही चल रहा है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। कभी कभी चूंकि आप बहुत ज्यादा साइट्स के ओपन कर लेते हैं, कभी कभी इस वजह से ही लोड ले रहा होता है। अदरवाइज इसका मैं तो मेरे साथ तो कभी वैसे एरर ज्यादा नहीं आता, लेकिन आपके एंड पे कभी कभी थोड़ा बहुत इशू आ सकता है, तो इसको थोड़ा तहम्मुल से ही मतलब जो है ना यूज किया जाता है। ठीक है, तो भाई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ ले, लेकिन चलो थीम रह गया था वो हम अब मतलब नहीं कर सकते। सर लेक्चर फेसबुक पे प्रोवाइड किए हैं, चेक कर लो अभी, वैसे फेसबुक पे लिंक अपलोड होने चाहिए ऑब्वियसली। मुझे अब ये एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन अपलोड हो रहे हैं तो लेट्स सी के कितने अपलोड होते हैं। ठीक है, परमिशन सही है ना, मे भी सारे ना हो सके, सारे हो, देखते हैं। अच्छा भाई, आज के लेक्चर की सबको समझ आ गई है? ठीक है, जो न्यू कमर आए थे उनको भी समझ आ गई है? जरा ये बता दो फटाफट से। चलें, शाज़ी आपको समझ आ गई, वंडरफुल। एनीवन एल्स जिसको कोई क्यूरी हो, जिस ना सर, चले माशाल्लाह, बहुत अच्छा। थिंग्स विल टेक टाइम इंशाल्लाह, और मेरा ख्याल है जल्दी आपको सब चीजें पे माशाल्लाह। चलें फिर, आज के लिए मुझे इजाजत है, जो मर्जी लिख लो सर आज। चले माशाल्लाह, ठीक है, चले, आप सबका भी शुक्रिया। रिवाइज लेक्चर कब अपलोड होगा? आई एम नॉट श्योर, बट इट माइट बी अपलोड। सर आई वेटेड अबाउट दिस टाइटल इन द नेविगेशन टूल, बट कम अब इसको थोड़ा सा ना टाइम लगेगा री। आप काइंडली ऐसा करें कि इसको थोड़ा सा करें अब री अपलोड, मतलब इसको ना रिफ्रेश करें दो बार तो हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आज मुझे लग रहा है कि सबके एंड पे बस आपने उस पर सर्च करके आनी है, वकास सिर्फ सर्च करके आनी है, असाइनमेंट एंड नथिंग एल्स। ठीक है, असाइनमेंट सर्च करके आना और उसको बता देना बस। ठीक है, आइए आइए, शोर आई एम ऑल्सो लीव, सो वी आर यू। ओके सर, ओके जी, हैव अ गुड टाइम, अल्लाह हाफिज जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।